एक मैट्रिक्स जो इसकी उससे मैट्रिक है 4x4 ऑर्डर की, उसकी हमें रैंक बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो रैंक और एक डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पहले बात करें, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर इसके डिटर्मिनांट की बात करी जाएगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर इसकी रैंक की बात करी जाएगी, रैंक, तो ये एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर एक 4x4 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो होगा वो उसकी रैंक इवन नंबर होगी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाते हैं। इवन नंबर यहाँ पर दो हैं, बी और डी, यानी कि 2 या 4 में से कोई एक होगा या दोनों ही पॉसिबल हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो आपका बी एंड डी है।